आगे बढ़ते हैं, रायपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर साइंस कॉलेज ग्राउंड पहुंचे हैं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, साथ ही नितिन नवीन और अरुण साव भी साइंस कॉलेज ग्राउंड पहुंचे हैं, शपथ ग्रहण समारोह स्थल का जायजा ले रहे हैं। तो साई के कैबिनेट को लेकर ओम माथुर का बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कैबिनेट में आदिवासी ओबीसी सभी को मौका मिलेगा। तो कल शपथ ग्रहण समारोह को लेकर नितिन नवीन, अरुण साव, ओम माथुर साइंस कॉलेज ग्राउंड पहुंचे हैं, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, और शपथ ग्रहण समारोह स्थल का जायजा ले रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में यहां पर शपथ ग्रहण समारोह को संपन्न किया जाएगा। उससे पहले तमाम तैयारियों को परखने के लिए यहां पर तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं, साथ ही यहां पर सरकार में और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिवम मिश्रा जुड़ रहे हैं। शिवम, बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहां पर पहुंचे हैं, कल शपथ ग्रहण समारोह होना है, इसको लेकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, क्या कुछ बड़े अपडेट्स? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल होना है और इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत तमाम दिग्गज नेता यहां शामिल होने वाले हैं। इस वक्त हम समारोह स्थल पर ही हैं और आपको तस्वीरें सीधी दिखा रहे हैं मंच से खड़े होकर के कितनी भव्य तैयारियां यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह के लिए की जा रही है। 3 अलग अलग डोम यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें विधायक, विधायक के परिवार और अति विशिष्ट अतिथि समेत जो कार्यकर्ता पहुंचेंगे उनके बैठने की यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही अभी कुछ देर पहले ही प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत जितने विधायक हैं और वो सब यहाँ पर पहुंचे हुए थे और एक एक कर बारीकी से कल की इस शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों की यहाँ पर जानकारी लेते हुए नजर आए थे। और यहाँ पर कई विधायक सुबह से ही जुटे हुए हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और ओम माथुर ने सभी जगहों की मंच से लेकर के जो वीवीआईपीज गेस्ट जहाँ पर बैठेंगे उनकी जानकारी ली। इसी के साथ ही मंच में कौन कौन मौजूद रहने वाले हैं, कितनी कुर्सियां रहने वाली, तो तमाम चीजों को बहुत ही बारीकी से यहाँ पर ओम माथुर ने देखा है और समझा। और उनके साथ ही बहुत से दिग्गज नेता भी वहां पर मौजूद थे, खुद प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे हुए थे और जितने विधायक है वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। साइंस कॉलेज मैदान पर वरिष्ठ विधायक यहाँ पर हैं, राजेश मूरत हैं, हम इनसे अभी बातचीत करेंगे और समझेंगे कि कल के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां किस तरीके से की जा रही, अंतिम स्तर पर तैयारी है, प्रधानमंत्री कल शामिल होंगे। कल भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में विजय श्री प्राप्त करने के उपरांत नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी को इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है। विष्णुदेव साय संगठन में काम करे हुए व्यक्ति हैं, प्रशासन शासन में काम किए हुए व्यक्ति हैं, पंच से लेकर सरपंच की यात्रा करते हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लेकर केंद्रीय मंत्री तक संगठन में काम करते करते यहाँ तक पहुँचे, एक सुलझे हुए सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। कल उनके एक यहाँ पर शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है जिसके अंदर प्रधानमंत्री से लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, जगत प्रसाद नड्डा जी, 6 प्रांतों के मुख्यमंत्री भी कल यहाँ पर आ रहे हैं। वो सब इस शपथ ग्रहण के साक्षी होंगे। हम पूरे कार्यकर्ता उसमें लगे हुए, जी जान से लगे, पूरा शहर सजा रहे हैं, 50,000 कार्यकर्ता यहाँ आएंगे और लगभग ये एक ऐतिहासिक मंच, छत्तीसगढ़ की प्रगति, उन्नति और मार्ग को प्रशस्त करते हुए आगे बढ़ेगा, ये संकल्प कल का हमारा है। कैबिनेट का भी गठन होना है, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने इस बात को कहा है कि सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा, हर एक जाति के लोग, चाहे SC OBC आदिवासी, सभी लोग कैबिनेट में शामिल होंगे। सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, जाति वर्ग प्रथा से ऊपर उठ करके छत्तीसगढ़ की प्रगति और उन्नति के मार्ग को आगे बढ़ाना, ये भाजपा का लक्ष्य है। देखिए, ये थे हमारे साथ राजेश मूरत और मैं आपको तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ कि साइंस कॉलेज मैदान की, जहाँ पर तैयारियां, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका।